राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला इंडियन एंटीना वीक 2015 का शुभारंभ शनिवार को अनंता रिसोर्ट में वैज्ञानिकों और प्रबुद्ध नागरिकों के सानिध्य में मुख्य अतिथि डॉक्टर डीसी पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि देवांतोष गुहा, प्रोफेसर सिद्दीकी, दीपक भटनागर और डॉक्टर एसएस भटनागर थे, जबकि अध्यक्षता प्रोफेसर वाईसी भट्ट ने की। एंटीना तकनीक में नवीन शोध और बहुआयामी उपयोगों पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं को एक मंच पर लाने के लिए एक प्रयास है जो निश्चित रूप से समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। कार्यशाला के पहले सत्र में वैज्ञानिक डॉक्टर डीसी पांडे ने रक्षा मंत्रालय द्वारा अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना के मूल सिद्धांत पर व्याख्यान दिया। एंटीना की तकनीक और बहुआयामी उपयोगों पर प्रकाश डाला गया, साथ ही उच्च तकनीक की मानव सभ्यता में योगदान पर मुख्य चर्चा की गई। एंटीना का उपयोग विभिन्न राडारों में हो रहा है, जिसमें नवीन तकनीकों का प्रयोग देश के सुरक्षा उपकरणों, अंतरिक्ष और उपग्रह तकनीक सहित मौसम जानकारी के लिए किया जा रहा है। आखिर में डॉक्टर अंकुर ने आभार जताया। हर जगह ये राजकीय संस्थानों में और किसी भी जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है वो इसको आयोजित करती है। इस साल हमें मिली है तो हम इसको आयोजित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इंडियन एंटीना वीक का रिसर्चर्स के लिए, फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंटीना टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि आज के युग में एंटीना में क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं और आगे अभी इनमें क्या रिसर्च की संभावना है। इंडियन एंटीना वीक के आयोजन में तकनीकी शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ के आगमन की सूचना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन को उग्र करते हुए एबीवीपी के छात्रों ने पुष्कर रोड अनंता रिसोर्ट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस की मौजूदगी में गेट के बाहर टायर जलाकर इंजीनियरिंग कॉलेज प्राचार्य एमएम शर्मा और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने अंदर घुसने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक ऐसा करने से रोक दिया। हमने यहाँ पर अनंत रिसोर्ट में जो इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें हमने यहाँ पर आकर विरोध दर्ज करवाया है। हमारा इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध जो यहाँ अजमेर के जो प्राचार्य एमएम शर्मा उनको लेकर हमारा विरोध है और उनको संरक्षण देने वाले तकनीकी शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ उनका ऊपर हमारा विरोध है। और विरोध स्वरूप आज हमने हमारे पंपलेट पोस्टर गेट पर आकर हमने गेट का रास्ता रोककर अनंत का गेट बंद कराकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है टायर जलाकर। और आगे भी अगर हमारी मांग को अनसुना किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री होंगे। भ्रष्टाचारी प्राचार्य एमएम शर्मा है जिनको कालीचरण सर्राफ जो शिक्षा मंत्री जिन्होंने संरक्षण दे रखी है उनको हमारा विरोध करना है और हमने ये विरोध दर्ज करवाया और हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा। हमारे प्रदर्शन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि इस भ्रष्ट प्राचार्य को पद से हटाकर एसओजी और सीबीआई से जांच नहीं कराई जाए।